जी भाई दोस्तों और बुजुर्गों सभी को मेरा नमस्कार। मुझे आज आप लोगों को एक और छोटा सा कुछ अपना जो मैंने काम किया है उसके बारे में मुझे बताना है, और आप लोगों तक मैंने अपने तबले की वॉइस जो मेरी मेकिंग है उसको भी मुझे दिखाना है। तो आज मेरे पास हमारे राजकुमार साहब आए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे अपने ज़माने में बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, और इन्होंने जो अपनी तालीम हासिल की हमारे सुभाष निर्माण जी से ली। और सुभाष निर्माण जी वो हैं जो दिल्ली घराने के बहुत बड़े विख्यात बड़े गुरुओं में से जिनको माना जाता है, उस्ताद हीरालाल जी। तो उस्ताद हीरालाल जी असल में दिल्ली घराने के हैं, और उनका नाम आते ही ये सीधा पता लगता है कि उस्ताद हीरालाल जी का नाम यानी कि दिल्ली घराना। और दिल्ली घराने से ताल्लुक़ रखते हुए हमारे राजकुमार भाई भी अभी यहाँ तक आप मेरे पास आए हैं, और इनका जो बेटा है आदेश, आदेश ने तालीम ली है उस्ताद निर्माण सुभाष निर्माण जी के जो बेटे हैं, क्या नाम है उनका, सूरज निर्माण, सूरज निर्माण है ना। तो उनका जो है ना आशीर्वाद इस बच्चे को रहा है, और सूरज निर्माण जी का जो मैं कहता हूँ कि जो मेहनत है और जो इल्म है जो उन्होंने अपने वाले साहब से हासिल की, उसके हिसाब से आज इस बच्चे के अंदर भी थोड़ा सा कुछ आपको सुनने को मिलेगा। तो ये दिल्ली घराने की सारी जो बातें हैं और जो काम हैं वो आज आपके सामने थोड़ा सा रखते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने काम किया है, मैंने ये तबला बनाया है, तो इसका साउंड वगैरह जो वॉइस है जो इसकी क्लियरिटी है और जो इसके अंदर रेजोनेंस है वो आप इस पर ध्यान दें प्लीज़। तो बेटे आदेश जरा सुनाइए, जरा हमारे व्यूअर्स। मैं थोड़ा सा नगमा देता हूँ, नगमा दे दिया जी, आप चालू थोड़ा सा। वाह बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे, क्या बात है, अच्छा बजाया। थोड़ा सा इसके अंदर आपको अगर जो अच्छा लगता हो वो आप थोड़ा सा हो कुछ बजाइए, क्योंकि तो व्यूअर्स जो है ना हमारे चाहते हैं कि दिल्ली घराने की जो आपने तालीम हासिल की है उसमें थोड़ा सा कुछ और बजाइए।
वाह बहुत अच्छे बेटे। देखिए आप बच्चे की उम्र को देखते हुए देखिए आप कितना अच्छा, इतना जो तबला बजाया जा रहा है, ये गुरु महाराज जितने भी बड़े बड़े विद्वान इस तबले के रहे हैं उनके ये सबक हैं। असल तो ये जो बच्चे ने बजाया है ये असल में इस बच्चे का कुछ अपना नहीं है, ये सब बुजुर्गों का है। क्यों राजकुमार भाई है जी? तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस बच्चे की उम्र के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आगे मैं चाहूँगा इस बच्चे को सभी लोग मिलकर दुआएं दें, और इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए, ताकि ये आगे आने वाले टाइम में जो अभी जो बड़े लीजेंड लोग हैं जिन्होंने इस पर बहुत मेहनत करके इस तबले को बताया है और दिखाया है लोगों को कि तबला असल में होता क्या चीज़ है, तो वही चीज़ इस बच्चे के अंदर भी आना अभी ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि राजकुमार भाई कुछ अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। नहीं, मैं कहो अब आपका आशीर्वाद है, बहुत आपका धन्यवाद, चाहता हूँ बच्चे को आशीर्वाद दें जी, हम भी आपके नाम का गुणगान कर लेंगे जी। तो दोस्तों बस मैं यहीं पर ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करूंगा और सभी से इजाजत लूंगा, तब तक के लिए नमस्कार है। अब बस थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इस बच्चे को चाहूंगा कि थोड़ा सा कुछ लग्गी बजाओ बेटा, थोड़ी सी40 years, और मेहनत है, मेहनत से सब कुछ मिलता है इंसान को, जो करता है उसी को मिलता है, चाहे बनाना हो या बजाना हो, इसमें दोनों ही चीजें हैं। जो जितना अच्छा बनाएगा उतने अच्छा उसका तबला बोलेगा, और जो जितना अच्छा बजाएगा उतने अच्छा उसका परफॉर्मेंस होगा, लोगों को पसंद आएगा। तो भाई दोस्तों आज आपने एक छोटे से बच्चे का कमाल देखा है, छोटी सी उम्र है लेकिन ये हुनर जो है ना, ये हुनर जो है ना बड़े लोगों का है, जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से सारी दुनिया को ये दिखाया और बताया कि अगर इंसान मेहनत करे तो सब कुछ उसे मिल सकता है। तो राजकुमार बिल्कुल जी तो बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे तबले को अगर आपने, मेरे तबले की वॉइस आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उसमें लोग अपना जो है ना बेल आइकॉन दबाएं। ठीक है जी, बस बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और हाँ, इस बच्चे के लिए अगर आपको लगा आदेश के लिए कि इसने तबला जो आपके लिए थोड़ा सा जो कुछ बजाया है वो आपको थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है जी, तो मैं चाहूँगा अगली वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अभी मैं नमस्कार चाहता हूँ, सत श्री अकाल और सलामती।